बहुत सारा प्यार की बहार, प्यार की बहार अगर आप रोज दिन में 10 बार सुनेंगे तो आई जाएगी। खंबा वाले आना लावी ना यारी, परिंदे आने उड़े जाना, ओ दी लम्मी है बहुत उड़ारी, परिंदे आने उड़ जाना। एक्सपेरिमेंट करने का मुझे शौक है, आपको पता ही है हमने बहुत सारे गाने बनाए हैं जिसमें अलग अलग चीजें करी हैं, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट करने का मुझे जिंदगी में भी शौक है। बालों के साथ हो, चाहे लुक्स के साथ हो या कपड़ों के साथ हो, एंड ऑब्वियसली दे आर कॉन्स्टेंटली इंस्पायरिंग वुमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट। मैं उनसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ, मैं वैसे ही जनरली मैं औरतों को देखकर इंस्पायर हो जाती हूँ, आपको देखकर भी इंस्पायर हो जाती हूँ। भाई अपनी एल्बम ही प्रमोट करेंगे चाहे कुछ भी कर लो। मेरी रंग दे ललारिया, मेरे यार दी गड्डी दे नाल दी, हमने सिचुएशन दी है और सिचुएशन में जाके मैंने वहाँ पे गाना गाया, बट वरना ऐसा कुछ नहीं है, हम तो देखेंगे भी नहीं। ठीक है, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ग्रैंड इंडीज शफल शफल चैट। It's 93.5 Red FM पर मैं हूँ आरजे दीक्षा, और जिनका गाना सोशल मीडिया पर फुल ब्लास्ट पे चल रहा था, आज वो फाइनली Red FM चंडीगढ़ में आ गए, रश्मीत कौर इन द Red FM स्टूडियोस। हेलो, आप पहली बार चंडीगढ़ आए हो Red FM? मैं, हाँ जी, है ना? पहली बार आई हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। तो चंडीगढ़ की वाइब कैसी है? बहुत ही बढ़िया, बेस्ट। कैसी, मतलब स्लो है, फास्ट है या पीसफुल है? पीसफुल है, मतलब अभी फिलहाल तो अभी तक का एंड द मौसम इज साफ, एंड वो होता है ना कि जब क्लाइमेट अच्छा होता है, मौसम अच्छा होता है, तो आप भी खुश रहते हो। बिल्कुल बिल्कुल, तो पंजाब का मौसम बढ़िया रहता है। सही बात है, लेकिन आप काफी डिफरेंट डिफरेंट जगहें, मतलब यू नो अलग अलग एरिया से हो, मतलब पंजाब से भी, फिर दिल्ली में यू नो यू वर ब्रॉट अप, देन यू शिफ्टेड टू मुंबई। जी, बट वैसे अगर मैं बात करूँ, सबसे कहते हैं ना पीसफुल, आपको कहाँ पर ज्यादा लगता है, पंजाब में, दिल्ली में, मुंबई में? पंजाब एंड हिमाचल। जी, गोवा इज ऑल्सो रियली नाइस, बट बॉम्बे दिल्ली से सब सब सारे अच्छे हैं। सारे अच्छे हैं, दुखी हो चुके हैं दिल्ली और मुंबई से सब। हाँ, क्योंकि या इट्स टू मच नाउ, यू नो अभी बहुत ज्यादा हो गया, लोग भी और पोल्यूशन भी, यू नो अगेन इट्स अबाउट क्लाइमेट, राइट। जी, मतलब आप कौन, किसको पसंद है ट्रैफिक में 50-50 मिनट? अरे बड़े लोग ऐसे दो घंटे तक खड़े रहना। देयर आर पीपल जो कहते हैं कि हम दिल्ली से शिफ्ट ही नहीं हो सकते क्योंकि अब हमें ट्रैफिक और भसड़ की आदत हो चुकी है। ओह रियली? अब हमें भसड़ चाहिए। Really? हाँ, उनको भसड़ चाहिए चाहिए भाई जिंदगी में। वही लोग होते हैं जिनको जिंदगी में रेड फ्लैग्स चाहिए। ऐसे लोगों से नहीं मिलना मुझे। हाँ, वेरी गुड, वेरी नाइस। बट रश्मीत, अ लॉट ऑफ पीपल मे बी यू नो दे नॉट अवेयर अबाउट इट, लेकिन आप, आपकी मम्मी से आपने म्यूजिक सीखा, आई थिंक। जी, है ना? और छह साल के थे जब से आप म्यूजिक सीख रहे हो। जी, तो म्यूजिक सीखने के साथ साथ चपेड़े पड़ती थी साथ में, क्योंकि जब मम्मी सिखाती है तो फिर मुझे लगता है थोड़ी स्ट्रिक्टनेस थोड़ी और ज्यादा हो जाती है। नो नो, इट वाज डिफरेंट विद माँ, बिकॉज शी वाज आल्सो लर्निंग शब्द कीर्तन मेरे, बिकॉज आई बिलोंग टू सिख फैमिली, माय मॉम वाज लर्निंग गुरमत संगीत, सीख रही थी वो, तो वो साथ में सीखते सीखते मेरे को भी ले जाती थी साथ में, तो जब वो मेरे को लेके जाती थी तो मैं याद रखती थी वो ट्यून कि ये बेटा ये तुम याद रखना, फिर हम घर जाके प्रैक्टिस करेंगे। फिर ऐसे धीरे धीरे उन्होंने मेरे को भी सिखा दिया, मैं बहुत छोटी थी, आई वाज इन क्लास 3 आई थिंक, तो उन्होंने मुझे सिखाया, उसके बाद मैंने गुरुद्वारे में जाके शब्द पढ़ा और मैं बहुत खुश हो गई, मुझे 100 रुपए मिले छोटा बच्चा खुश हो गया, सही बात है, वाह ये तो बहुत अच्छा है। हाँ। फिर रियलाइज हुआ कि यू नो पेरेंट्स को कि इसको सिखाना चाहिए प्रॉपरली, देन आई स्टार्ट लर्निंग इंडियन क्लासिकल, एंड वहां से फिर धीरे धीरे म्यूजिक की तरफ बढ़ता गया झुकाव, बट आई वॉज डूइंग साइंस फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, ग्रेजुएशन इन मेडिकल साइंस, सो आई वॉज लाइक फंस गई। क्या बात है यार, मतलब लुकिंग एट यू द काइंड ऑफ पर्सनालिटी यू हैव, मुझे नहीं लगता कोई ऐसे देख फर्स्ट लुक में देख के सोच सकता है ऐसा। साइंटिस्ट भी तो पागल ही दिखते हैं। नहीं, पागल ही दिखते यार आप, मतलब एकदम स्टाइल आइकॉन दिखते हो, एंड दिस इज व्हाट आई वाज अबाउट टू आस्क यू कि मतलब यू हैव अ वेरी डिफरेंट पर्सनालिटी, लुकिंग एट यू ऐसा लगता है कि हाँ कॉपी नहीं कर रही हूँ, है ना, जो है वो मेरी पर्सनालिटी है, दिस इज व्हाट आई एम। बट डिस्कवरिंग दिस यू नो मुझे लगता है काफी टाइम लगा होगा टू डिस्कवर कि हाँ ये मेरी पर्सनालिटी है, दिस इज यू नो हाउ आई एम। जी, आई थिंक मेरी पर्सनालिटी है कि कॉन्स्टेंटली कीप चेंजिंग अकॉर्डिंग टू व्हाट माय सोल सेज, नॉट अकॉर्डिंग टू व्हाट द वर्ल्ड सेज, एंड एक्सपेरिमेंट करने का मुझे शौक है, आपको पता ही है हमने बहुत सारे गाने बनाए हैं जिसमें अलग अलग चीजें करी हैं, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट करने का मुझे जिंदगी में भी शौक है। तो बालों के साथ हो, चाहे लुक्स के साथ हो या कपड़ों के साथ हो,
तो बस वो आ जाता है अपने आप. एंड ऑब्वियसली दे आर कॉन्स्टेंटली इंस्पायरिंग वुमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड. मैं उनसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ. मैं वैसे ही जनरली मैं औरतों को देखकर इंस्पायर हो जाती हूँ, आपको देखकर भी इंस्पायर हो जाती हूँ, मतलब किसी को देखकर भी. बिकॉज यू फॉलो अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल आर्टिस्ट ऑल्सो, जो मैंने देखा है ना, मतलब इंडियन कम है एंड आई थिंक इंटरनेशनल आर्टिस्ट मोस्ट ऑफ देम आर वुमेन, है ना. एंड तो वो हु इज योर फेवरेट लाइक इंटरनेशनल? बियॉन्से. ओह वाओ, ऑफ कोर्स, शी इज द गॉड. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली शी इज फेवरेट फॉर एवरीवन. बट या बियॉन्से है, a lot of them, they all, they own the style, you know, more than just wearing a kapda. It's more about owning it. कि आप क्या पहन रहे हो और किस तरीके से आप उसको कैरी करते हो. इट्स मोर अबाउट योर कॉन्फिडेंस, अबाउट योर, इट्स अबाउट योर वाइब, योर, यू नो, योर, इट्स मोर अबाउट योर बॉडी लैंग्वेज, हाउ कंफर्टेबल यू आर विद योर स्किन एंड योर बॉडी, रादर देन कि ये अच्छा नहीं लग रहा या वो अच्छा नहीं लग रहा, जो जो रोजमर्रा की जिंदगी, विच इज वेरी रेगुलर, राइट. बट या बियॉन्से है, डोजा कैट है, एफके ट्विग्स है, लेडी गागा है, सो मेनी पीपल आई एम इंस्पायर्ड, एंड ऑल ऑफ देम आर वेरी वेरी इंस्पायरिंग, दे ऑल आर लेजेंडरी, एब्सोल्युटली. एंड लेट्स टॉक अबाउट योर फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस दैट यू रिमेंबर, पहली स्टेज परफॉर्मेंस. या आई रिमेंबर, वेयर वाज इट? इट वाज इन क्लास 3 एनुअल फंक्शन. ए मेरे वतन के लोगों, वेरी डिफिकल्ट, जरा आंख में भर लो पानी. एंड बट लिटरली एंड में सबकी आंखों में पानी था, बिकॉज एक छोटा बच्चा गा रहा है और ए मेरे वतन के लोगों और सुर में गा रहा है, तो आई थिंक दैट वाज, यू नो, दैट वाज काइंड ऑफ अ सिग्नल कि बेटा ये शायद सही है, ये आपको करना चाहिए. बट वो गाया मैंने और एक कोई भजन भी गाया था मैंने, आई रिमेम्बर. बट दैट वाज, दैट्स वन परफॉर्मेंस, स्टेज परफॉर्मेंस दैट आई रिमेम्बर, जो बहुत सारे लोग थे और एनुअल फंक्शन मैंने अकेले छोटे से बच्चे खड़ा होकर गाया. क्या बात है. बट टेल मी वन थिंग, इतनी मतलब डिफिकल्ट पढ़ाई छोड़ने के बाद, मतलब पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करा कि नहीं यार मुझे, you know, I want to do something in this field and I'm very confident कि मैं कर लूंगी. वो confidence show करना मुझे लगता है सबसे difficult होता है. कई बार खुद में ही confidence नहीं होता कि यार कुछ कर पाएंगे कि नहीं करेंगे, मतलब अपने लिए पैसे कमा पाएंगे कि नहीं कमा पाएंगे. time के साथ confidence आता है और अपने ऊपर constantly काम करने के बाद confidence आता है. जब आप सीख रहे हो तो आपका confidence बढ़ता रहता है, क्योंकि obviously आप skill और skilled बन रहे हो life, right as an artist, as a human being, right. बट उसके अलावा आई एम वेरी ब्लेस्ड इन दिस केस कि मेरे पेरेंट्स को मुझे कभी कन्विंस नहीं करना पड़ा. वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव थे शुरू से ही, और मम्मा इनफैक्ट खुद मुझे पुश करती थी कि चलो बेटा वॉइस ऑफ पंजाब में पार्टिसिपेट करो, सारे गा मापा में पास पार्टिसिपेट करो, अगर तुम करना ही है तो फिर उसको अच्छे से. इनफैक्ट देवर अगेंस्ट मी गोइंग फॉर साइंस. ऑब्वियसली माई डैड इज लाइक कि चलो बेटा पढ़ाई करो, लेकिन माई डैड वॉज लाइक कि अगर करना है तो फिर जो भी करना है अच्छे से करो, चाहे म्यूजिक करो या पढ़ाई करो या साइंस करो, इट्स अप टू यू. बट देन म्यूजिक पहले मेरी हॉबी थी, बट अब वो सब कुछ है मेरे लिए. तो आई एम ब्लेस्ड इन दिस केस कि मुझे कन्विंस नहीं करना पड़ा, और जो जो मैंने कहा और वो खुश हैं और उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया. राइट. एंड प्यार की बहार के बारे में बात कर लेते हैं. हमारी जिंदगी में तो प्यार नहीं है, लेकिन रश्मीत बहुत सारा प्यार नहीं है ना. प्यार, प्यार नहीं है यार. मैं हूँ ना आपको प्यार देने, आप हो, लेकिन और क्या चीज़. आई एम श्योर बड़े सारे लोग जो वीडियो देख रहे हैं, सिंगल लोग जिनकी जिंदगी में प्यार नहीं है, लेकिन ये बहुत सारा प्यार की बहार लेकर आई है. अगर आप रोज दिन में 10 बार सुनेंगे तो आई जाएगी, मैनिफेस्ट कर लो, है ना, कहीं ना कहीं से तो आ जाएगी. 100% आपको प्यार की बहार आपकी जिंदगी में आ जाएगी, और बहुत ज्यादा ऑफर्स और जो भी चाहिए. हाँ, सही बात है. मुनव्वर के साथ ये गाना आया है, बट ये गाना पहले शूट हो गया था. तो प्यार की बहार का ऐसा कहानी है कि ये इट रिलीज्ड लास्ट ईयर एज अ 1 मिनट, एज अ पार्ट ऑफ 1 मिनट म्यूजिक कैंपेन फॉर मेटा फॉर इंस्टाग्राम. ओके. एंड फिर उस टाइम पे हमने 1 मिनट का बनाया, क्योंकि वो सिर्फ इंस्टाग्राम पे ही था. वो एक, अब मेरा जब मैं एल्बम पे काम कर रही हूँ तो मेरे पास ऑब्वियसली बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो सब लोगों का इतना प्यार पाकर, प्यार की बाहर आने के बाद मुझे लगा कि इसको कम्प्लीट करना चाहिए. और बाकी लोगों ने भी बहुत पूछा कि कब आएगा पूरा गाना, सिर्फ 1 ही मिनट का गाना देके क्यों छोड़ दिया. सो देन वी थॉट दैट वी शुड कंप्लीट इट, फिनिश इट, एंड देन एट द सेम टाइम सिंस दिस एल्बम वी वर वर्किंग ऑन, तो उसमें हर एक गाने में एक एक आर्टिस्ट है, एक से ज्यादा आर्टिस्ट भी हैं. तो आई थिंक दिस वाज द बेस्ट चॉइस. पूरी एल्बम में कितने गाने आने वाले हैं? पूरी एल्बम में जी 12 गाने हैं, और उसमें से 12 गानों में 13 फीचरिंग आर्टिस्ट हैं.
अपार्ट फ्रॉम मी. या तो एक एका के साथ आ चुका है, दूसरा मुनव्वर के साथ है, तीसरा वजीर. जी, तीसरा गाना आ रहा है 5 दिसंबर को. हाँ. जिसका नाम है उड़ जाना. हाँ. और ये भी मेरा बहुत ही फेवरेट है, लाइक सारे 12 गानों की तरह. और ये आएगा 5 को. और सबकी वीडियोस आ रही हैं? जितने अभी तक 3 की वीडियोस तो बनाई हैं. हाँ. बाकी दो तीन और आएंगी शायद, बट okay. बाकी 9 गाने आएंगे 11 जनवरी को. ओके, मतलब वो 2024 के लिए बचा के रखा है अभी. yeah. के लिए इतना डाइजेस्ट कर लो, बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स नो. या बैक टू बैक पीपल आर गेटिंग. वीडियो बहुत ही बड़ा जबरदस्त है. अच्छा लगा आपको? डांस जो करा है ना, मतलब आपने बहुत ही जबरदस्त. अलीशा इज द कोरियोग्राफर. She is an incredible artist and I'm a fan of her. And पहला भी 1 मिनट उसने ही किया था कोरियोग्राफ. और ये वाला भी पूरा वीडियो. बढ़िया, मतलब लुकिंग एट यू, यू आर अ टिपिकल ऑलराउंडर. वो शर्मा जी का बच्चा होता है ना जो सब कुछ कर लेता है. यू आर लाइक दैट ना, गाने लिख भी लेती हैं, गा भी लेती हैं, स्टाइल आइकॉन भी हैं और डांस भी कर लेते हैं. डायरेक्ट भी कर लेते हो, डांस भी अच्छा कर लेते हो. कोशिश, आई थिंक इंसान को सिर्फ कोशिश करते रहना. नहीं, आपकी वजह से ऐसा तो नहीं पड़ोसियों के बच्चों को काफी गालियां सुननी पड़ती हैं बिकॉज ऑफ यू? अपने घर में ही सुननी पड़ती है. अभी भी मेरे भाई को ही बहुत गालियां सुननी पड़ती थी मेरी वजह से. और बट दैट्स ओके. आई थिंक सबका एक अपना तरीका होता है. और किसी और को गालियां पड़ेंगी उसकी वजह से मैं तो काम करना बंद नहीं कर सकती. सही बात, करना ही पड़ेगा. बट लेट्स टॉक अबाउट पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री. बहुत कम लोग हैं आई थिंक जिनको आप फॉलो करते हो पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री. नहीं नहीं, मैं सबको फॉलो ऐसी. सबसे पहले तो मैंने करण औजला देखा जी और मेरा बड़ा मन कर रहा है फॉलो. हां, वो वाला फॉलो, वैसा वाला फॉलो. आई थिंक मैं वो वाला फॉलो, मैं फॉलो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. फॉलो असली में आप कितना फॉलो करते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंस्टाग्राम तो बहुत सारी चीजें करनी होती है. सो यू टेल मी, पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में अगर अभी बात करें, इट्स डेफिनेटली ऑन बूम. हू इज योर फेवरेट? दिलजीत, ऑफ कोर्स. दिलजीत दोसांझ इज डूइंग क्रेजी, लाइक ही इज झंडे गाड़ रहे हैं वो हर जगह जाके. ही इज कुचिल्ला चुका गाता पंजाबियों ने, है ना. तो फिर करण औजला इज डूइंग इनक्रेडिबल. ही इज यू नो वो ही है ना, बाहर वाला माइंडसेट हो गया कि प्रोग्रेस करना है. राइट, कांस्टेंट चाहिए आपको प्रोग्रेस लाइफ में. और अगले गाने के साथ क्या अच्छा कर सकते हैं? सही बात. सो आई थिंक दैट वर्क्स फॉर एनी आर्टिस्ट. इफ यू आर कॉन्स्टेंटली अपिंग योर गेम, यू नो दैट्स व्हाट वर्क्स फॉर यू. एंड करण औजला है, वाजिर है हु इज इनक्रेडिबल. देयर इज वन अमेजिंग आर्टिस्ट इज ऑल्सो इन माई एल्बम, सिमरन कौर धादली. शी इज अमेजिंग, क्रेजी वुमन एंड शी इज अ बैडास. आई थिंक शी इज देयर. And a lot of people. पंजाब में बहुत सारे mostly artists सुरीले हैं. सही बात है. Yeah. That's true. हमारा culture बहुत rich है. गानों के मामले में definitely. I think talent के मामले में यार बहुत talented बंदे हैं. गाना ले लो आप, dance ले लो आप, भंगड़ा ले लो आप, कुछ भी ले लो. Everything is rich. Any culture is rich. If you are putting in efforts to promote your culture, जैसे दिलजीत ने भी सिया के साथ कोलैबोरेट किया यार. पंजाबी में गवा दिया यार. पंजाबी में गवा दिया और उसने पंजाबियों से भी अच्छा गा दिया. सही बात. तो मतलब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो आई थिंक दैट्स वेरी इंस्पायरिंग कि इतने सारे आर्टिस्ट इतनी सारी चीजें अपने कंफर्ट जोन के बाहर निकल के कर रहे हैं. वो एक अपने एंड लुकिंग एट दिलजीत ना, ऐसा लगता है मतलब जब भी उनको देखो ना, ऐसे प्राउड वाली फीलिंग ही आती है यार कि एक के बाद एक क्या कर रहा है बंदा. नहीं नहीं हुआ ना, उसको भी प्राउड वाली फीलिंग आती है. तो ऐसे बनना लाइफ में, बिल्कुल यार, सबको देख के आपको प्राउड वाली फीलिंग आए. जी. एंड लेट्स टॉक अबाउट मुनव्वर. आर यू वॉचिंग बिग बॉस? आई एम वॉचिंग हिम इन बिग बॉस. यस. तो कैसा लग रहा है, क्या परफॉर्मेंस लग रही है? ही इज टू गुड, है ना. ही इज ऑल्सो वेरी नाइस पर्सन. सो आई थिंक एक आर्टिस्ट के साथ एक इंसान अच्छा होना बहुत जरूरी है. एंड वो बहुत स्किल्ड है, कॉमेडी भी करता है और गाने भी. अभी उसने ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन म्यूजिक एंड ही इज ऑलवेज ओपन, यू नो. एंड आई लाइक दैट. आई लाइक टू वर्क विद दोस काइंड ऑफ पीपल जो हमेशा क्या नया ला सकते हैं टेबल पे, रादर देन कि अरे ऐसा कर दो या ऐसा कर दो, विच इज ओके फाइन. क्योंकि हर एक आर्टिस्ट का अपना एक काम करने का तरीका है. बट ही इज वेरी इजी टू वर्क विद एंड ही इज वेरी लाइक ही इज जेम ऑफ अ पर्सन. सो आई एंजॉयड वर्किंग विद हिम. फिर हमने वीडियो शूट भी किया साथ में, बहुत मजा आया. सो ही वाज द सेम ऑन द सेट आल्सो, कि मतलब एकदम सबको खुश रखते हैं और बढ़िया जैसे हैं आजकल में हम बिग बॉस में देख रहे हैं उन्हें. नहीं, वो वैसे ही है. हाँ, तो मैं वही कह रही हूँ ना कि वो अच्छा इंसान है. तो वो वैसे ही निखर के आ रहा है बाहर. तो जो जैसा होता है वो फिर दिख जाता. तो अभी क्या प्रोबेबिलिटी लग रही है वैसे आपके हिसाब से, किसकी जीतने की लग रही है? ये देखो, ये इन्होंने कर दिए बट फिर मैं तो फॉलो नहीं कर रही हूँ बिग बॉस. तो फिर मेरा आपसे पूछ रही हूँ, तो मैं उसको सपोर्ट कर रही हूँ. ठीक, मैं चाहती हूँ जीते. एब्सोल्युटली. बाकी मैंने देखा ही नहीं है कौन है.
वेरी नाइस. उसी की क्योंकि उसकी आ रही है ना सारे. सही बात है. फेमस रील्स. बढ़िया. ओके तो आजकल सोशल मीडिया पे बड़े सारे ट्रेंड्स चल रहे हैं, है ना. एक वो मोए 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 करके ट्रेंड चल रहा है. क्या है वो मोए मोए? मतलब ऐसे जब दुखी हो जाता है ना बंदा, मोए मोए कुछ. हाँ. सैड मोमेंट इन लाइफ यार. में मोए बोलते हैं जो मर जाता है उसको. हाँ. है? पर ऐसा कोई है, कोई ऐसा मोया, मोया, मर्जना, कोई मोया. कोई ऐसा काम जिसको करके आपको ऐसा लगता है कि मेरा भी मोए मोए हो जाता है यार, ये काम मत बोलो मुझे करने के लिए, है ना. सारे काम. इतना आलस नहीं. नहीं, गाने बनाने में बिल्कुल आलस नहीं. हाँ. काम करने में बिल्कुल आलस नहीं. बट कोई ऐसा काम. ये पकड़ लिया मैंने सीधा. पैकिंग इज माय दुश्मन. हाँ. मतलब मेरा कोई दुश्मन नहीं है. हाँ. पर पैकिंग करने में मुझे मौत 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 पड़ जाती है. ठीक है. अच्छा ऐसा है, अब मैं आपको सिचुएशन देने वाली हूँ. अब आप आए हो तो बिना आपको गाए, मतलब गवाए तो हम जाने नहीं देंगे, है ना. तो कुछ सिचुएशंस हैं, उस सिचुएशन पे आपको एक एक गाना गाना है. ओके. कोई भी. पहली सिचुएशन ये है कि आपकी बेस्ट फ्रेंड उसी टॉक्सिक बंदे के पास वापस जा रही है जिसके पास जाने के लिए आपने मना किया था, लेकिन नहीं समझ आ रही है उसको. खंबा वाले ना यारी, परिंदे आने उड़े जाना. देखो पहली बार गा दिया. क्या वेरी नाइस यार. ओ दिल अम्मी है बहुत उड़ारी, परिंदे आने उड़े जाना. मतलब जिनके पंख होते हैं उनके साथ यारी मत लगाना, उड़ जाएंगे. वेरी गुड यार. रेड फ्लैग्स हैं. सही बात है. अच्छा सर्दी का टाइम चल रहा है, अपनी एल्बम ही प्रमोट करेंगे. चाहे कुछ भी कर लो. नो बट वी हैव ऑल काइंड्स ऑफ सॉन्ग्स. हाँ तो व्हाई नॉट. आपका और आपकी बेस्टी का, ये मुझे बड़ा पसंद है, है ना. आपका और आपकी बेस्टी का एक ही बंदे पे क्रश आ गया है, तो अब क्या करें? गाना गा दो. एक ही बंदे में हाय रे दुनिया जालिम है यो काका करती जाए, हाय रे दुनिया, हाय रे दुनिया. अब देखो मेरी दोस्त भी दुनिया में आती है ना. वेरी गुड यार. वेरी नाइस. एक एक करके सारे गाने प्रमोट कर देंगे बिल्कुल. पर हाय रे दुनिया तो किसी भी उस पे चला जाएगा. हाँ. क्योंकि इट्स ऑल अबाउट दुनिया. सही बात है. हाँ. और लिफ्ट में आप और आपका एक्स मिल जाते हैं तो क्या होगा? लिमिटलेस प्यार. कोई तो गाना गा बस. फिर मैं आई विल ट्राई टू सिंग माय ओन सॉन्ग. हां कौन सा? कि सारे जग नु भुला के तेनु वेखा मैं, तेरे पीछे पागलां दे वांग घुमा मैं, इस जिंदगी दा बणया सहारा तू, विदाउट यू कुछ भी ना हुन सोचा मैं. सो आई विल ट्राई टू लाइक मे बी लाइक रिझाओ हिम. क्या बात है यार. वेरी नाइस. अभी भी प्यार है उतना है? बिल्कुल भी नहीं. अच्छा ठीक है. ये तुमने सिचुएशन दी है और सिचुएशन में जाके मैंने वहाँ पे गाना गाया, बट वरना ऐसा कुछ नहीं. हम तो देखेंगे. Okay. भी नहीं. ठीक है. वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस. दिस इज द राइट एटीट्यूड. हम नहीं देखेंगे. आप कौन? सॉरी जानते नहीं. आई एम सॉरी. कोई था क्या? हाँ वेरी नाइस सर. वेरी गुड. वेरी नाइस वेरी नाइस. अच्छा अब 90s अनवाइंडिंग सेगमेंट करते हैं हम लोग. तो आपका कोई ऐसा नॉस्टैल्जिया वाला 90s का गाना, चाहे वो पंजाबी हो चाहे वो हिंदी हो, जिसको सुनकर ना मतलब सच में एक स्माइल आ जाती है चेहरे पे जब भी वो गाना आप सुनते हो, बट हैज टू बी 90s का, जिसको सुनके मेरे मुंह पे स्माइल आ जाती है और बाकी जो देख रहे हैं उनके भी फेस पे स्माइल आ जाएगी. अब आप गाओगे तो डेफिनेटली आएगी. गा दो, गा दो, दो लाइन गा दो प्लीज. 90s ही है वो. हाँ हाँ. बाजरे दा सिट्टा, बाजरे दा सिट्टा वे सा तली ते मरोड़िया, रुठड़ा जांदा मैया, रुठड़ा जांदा मैया वे सा गली विच्चों मोड़िया, बाजरे दा सिट्टा. क्या एक ये और एक वो नदियों बार से जंडा ठाणा, तीत कोल जरूरी जाना, दिल लाले अबे परवाह दे नाल, दिल लाले अबे परवाह दे नाल. जो अब आने वाले 2024 में, है ना, tell us about it, कुछ ऐसा, कोई ऐसा पंजाबी और भी आर्टिस्ट है जिनके साथ में यू रियली विश टू वर्क? सो माय एल्बम इज फुल ऑफ वैरायटी एंड फुल ऑफ आर्टिस्ट अक्रॉस द ग्लोब, ऑल ओवर द ग्लोब. इट्स नॉट जस्ट इंडिया. ओके. हमने इंडिया में तो नॉर्थ से साउथ पूरा कवर किया है. साउथ इंडियन रैपर भी है उसमें. ओह वाओ. जिसमें मैं भी रैप कर रही हूँ. और फिर आपको पहली बार सुनने को मिलेगा कि एक गाने के अंदर एक पंजाबी रैप कर रही है एक लड़की और एक तमिल रैप चल रहा है. क्या बात. तो या तो ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीजें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. एंड उसके अलावा पंजाबी चार गाने हैं
जिसमें वाजर तो है ही, पता लग गया आपको. एंड देन देयर इज GD47. ओह नाइस. देन देयर इज फतेह हु इज इन वैंकूवर. हां. एंड देन देयर इज सिमरन. आई टोल्ड यू. एंड या सो आई थिंक काफी सारा. हाँ जी, काफी सारा पंजाब के चार पंजाबी चार आर्टिस्ट हैं. इसके अलावा एक ओपरा किया है, ओपरा जो एक कश्मीरी लड़की ने गाया है, मतलब एज इन देयर इज अ सेक्शन इन इट. ओके. हर नेम इज आशमा, आशमा महाजन. तो आशमा ने गाया है. तो आई थिंक एंड देन देयर इज फ्रेंच रैपर, फीमेल रैपर ट्रेसी. देन देयर इज रेबल हु इज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट. सो आई ट्राइड टू कवर ऑल दी. कुछ छोड़ा नहीं है मतलब आपने, है ना? बिल्कुल, क्योंकि मैं वैसी ही किस्म की आर्टिस्ट हूँ. बहुत कुछ ट्राई करना होता है. तो अगर एक एल्बम लॉन्च हो रही है, भोले के लिए भी गाना है, तो मतलब फिर सब है उसमें. क्या बात है. और आपको देख के इतना मजा आ जाता है यार, मतलब वीडियो देखकर ऐसा लगता है कि यार सिर्फ गाना नहीं होना चाहिए, वीडियो भी होना चाहिए. वॉचिंग यू इज एक्चुअली अ डिलाइट. थैंक यू, है ना. और आई जस्ट वांट टू नो एनी 3 टॉप इंडी पिक्स फॉर यू, मतलब जो आपके फेवरेट है इस साल के. करण औजला का कोई गाना हो सकता है टॉप 3 इंडी में. अच्छा, पंजाबी म्यूजिक. हाँ हाँ, कोई भी. मेरी रंग दे ललारिया मेरे यार दी गड्डी दे नाल दी. एंड देन दैट किनी किनी इज अमेजिंग. ओह वाओ, एक लाइन गा दो ना. कौन सा किनी किनी? किनी किनी दिलजीत दोसांझ वाला. ओ रंग दे डैम जिवें हुंदा ओ टरा दे मन वी सुखोंदा टैटू जिवें दा ने दा मुंदा. आई हैव अ सन मून टैटू हियर. ओह वाओ. तू हार्ट तू पहला दिन जूंदा. थर्ड लास्ट वन. Last is that, of course, the Sia part where Sia is singing crazy. Oh yeah. Yeah. Hasa has. Dil tenu de ditta, nisha soneya. Aise gaya. That's amazing. I'm so beautiful. Happy. I'm so beautiful, happy. Beautiful, yeah. Yeah. And thank you so much for being on Red FM. Thank and, you very much. Any New Year wishes? Guys, 3 songs already released. Very good, yeah. Very 3 good. Songs already released till this New Year, and New Year bringing a banger of an album. So, सारे कर लो भाई, देख लो, फॉलो कर लो, कर लो यार, प्यार कर लो यार, प्यार हम लेके आ रहे हैं अपने गानों में, तो आपको भी मतलब देना चाहिए. So yeah, I think there's a lot more coming, and I'm so excited, so pumped, and at the same time very grateful कि सब हो रहा है, क्योंकि सब होना ही बहुत बड़ी बात है अपने. Absolutely. And I'm just enjoying the journey that I'm on, right. And constantly discovering myself. तो I hope New Year's आपके लिए अपने ही बारे में आप अपने आप को और जाने और जाने. और बेहतर बने जिंदगी में. तो और क्या चाहिए. बिल्कुल. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन. हैप्पी न्यू ईयर. वेरी नाइस यार, ऐसी विश किसी आर्टिस्ट ने नहीं दी होगी अभी तक. वही तो है ना, मेरे कुछ डिफरेंट देंगे, कुछ अलग देंगे. बट थैंक यू सो मच. एंड मजेदार पंजाबी वीडियोस दिले साडे रेड एफएम यूट्यूब पंजाबी चैनल नु सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ते हर नोटिफिकेशन पाओ. 93.5 रेड एफएम बजाते रहो.